प्रेस ने मीडिया ने चैनल को चैलेंज किया था कि हम इसका असली रूप आपके सामने लेकर आएंगे ये कैसी दिखती है कहाँ रहती है मुझे वैक्सिंग अलाउड नहीं थी आई कुड नॉट डू माय थ्रेडिंग माय आईब्राउस के मेरे फेस पे और बाल डाले जाते थे सीक्वल आने वाला है, थ्री डेट्स का। <laughs> तो थ्री इडियट्स अगर टू बनेगा हेलो थैंक यू कैसे हो आप

सो आई आई फील वेरी वेरी लकी अनफॉर्चुनेट कि मुझे 20 साल हो गए इंडस्ट्री में और लगता नहीं है कि 20 साल हो गए हैं किसी को जानती नहीं थी अकेली आई थी पुणे से ऑडिशन देती थी एंड आफ्टर जैसी जैसी कोई नहीं दे वॉज़ नो लुकिंग बैक Yeah. हमेशा काम मिलता रहा आगे बढ़ती रही एंड आई आई कैप ड्राइंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो थिंग्स मैंने थिएटर किया uh, मैंने अब ओ टी टी कर रही हूँ मूवीज कर रही हूँ टी वी किया होस्टिंग किया सब हो गया अभी कुछ कुछ नहीं, नहीं बचा <laughs> अभी आई थिंक लोगों को नया प्लेटफॉर्म इन्वेंट करना पड़ेगा <laughs>

जो मिला था जस्सी के लिए वो भी एज जसमीत वालिया मिला था आई डिड नॉट गेट इट एज मोना सिंह तो कहीं ना कहीं वो लगता था कि अरे यू नो लोग मुझे कब देखेंगे बट uh. एक अलग हाई भी चल रहा था जस्सी का सो so, रिस्ट्रिक्शंस uh, uh, ये भी थे कि कोई एक्टर नहीं जानता था कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरे खुद के जस्सी के एक्टर्स को नहीं पता था अच्छा सेट पे नहीं पता था नहीं पता था प्रेस ने मीडिया ने चैनल को चैलेंज किया था कि हम इसका असली रूप आपके सामने लेकर आएंगे ये कैसी दिखती है कहाँ रहती है तो चैनल ऑल्सो फ्रीकड आउट कि भाई तुम अपने घर से बाहर निकलो और हम तुमको होटल में डालेंगे सो आई स्टेड इन होटल मेरी गाड़ियाँ बदलती थी

तो आपके लिए जैसे आपने ये पूरा बोला कि ये जर्नी की इतनी सीक्रेसी थी और तो hmm. तो आपके लिए एज एन एक्टर भी भी डिफिकल्ट विद ऑल द कॉस्मेटिक्स या जो देखिए मुश्किल था और अगर आसान कुछ होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती राइट right. uh, yes, uh, you know, का बिकॉज इतना पॉपुलर शो इतना प्यार मिल, प्यार मिल रहा था शो को तो आई वॉज कैरेक्टर कौन सा था अब तक बेटी एक्चुअली मेरे सारे रोल्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैंने चैलेंजिंग वाले ही लिए हैं राइट फ्रॉम जस्सी बट एक तो होगा ना कि सबसे डिफिकल्ट आई थिंक लाल सिंह वॉज टफ लाल सिंह वॉज टफ बिकॉज आई वॉज प्लेंग एन एज जो मैं नहीं थी जब सिक्सटीज़ में हम जा रहे थे एज में तो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत वर्क किया वॉइस पे वर्क किया रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं यू नो विद एज जैसे हमारे पेरेंट्स अब हैं तो वो मेरे लिए आ, बहुत चैलेंजिंग था आपने yeah. आपने पहले पहले की, है? You notice someone की you know, जैसे आपने बोला कि थोड़ा ओल्ड वाला था, माय so मदर मैं, मैं सिर्फ उन्हीं को नोटिस कर रही थी बिकॉज एक तो पंजाबी फैमिली थी एंड हम पंजाबी में बात करते हैं घर में सो आई वाज मोस्टली ऑब्जर्विंग माय मदर बट अगर जस्सी के चैलेंजेस के बारे में आप बात करेंगे तो मतलब इट्स नेवर एंडिंग मैंने ब्रेसेस पहने थे जो समथिंग दैट आई डेंट हैव टू वेयर फॉर माई टीथ बिकॉज आई हैड अ परफेक्ट सेट ऑफ टीथ बट वो ब्रेसिस जब पहने तो वो लूज थे देवर रिटेनर्स यू नो तो डायलॉग बोलते वक्त गिर जाते थे सो एवरी टाइम आई शू विजिट द डेंटिस्ट कि उसको थोड़ा टाइट कर दें तो वो जब टाइट होता था इतना प्रेशर होता था मेरे मुंह के अंदर मेरे लिप्स कट जाते थे अंदर से गम्स छील जाते थे इट वॉज़ पेनफुल वो चश्मा जो था सोडा ग्लासेस थे <laughs> मुझे कुछ नहीं दिखता था वो पहन के इट वॉज़ पेनफुल मेरे सर पे एक दिन शूटिंग के वक्त लाइट गिर गई थी शूटिंग लाइट एंड यहाँ पे मेरे को स्टिचेस लगे थे जो आज भी दुखते हैं क्योंकि मेरे बाल यहाँ से शेव करके स्टिचेस नहीं दिए गए थे ऊपर ऊपर लगा दिए गए थे बिकॉज मुझे शूट के लिए निकलना था तो वो सब मुश्किलें हमने सही है <laughs> ये मेमोरी अभी यहाँ पे <laughs> ये मेमोरी <laughs> यहाँ है फ्रेश मैडम फिल्म की जो बात कर रहे थे कि आपने लाल सिंह चड्डा में आपका कैरेक्टर आपने बोला कि आपके लिए डिफिकल्ट था जी थ्री डेट्स का भी आपका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था और हाँ। बीच में ऐसा सुनाई दिया था कि सीक्वल आने वाला है थ्री डेट्स का <laughs> कुछ ये ये सच है झूठ है आप बताइए दो वो प्रमोशनल कैंपेन था फॉर ड्रीम इलेवन हाँ बट उसके बावजूद भी कुछ आए थे न्यूज ऐसे मुझे सुनाई दिया नहीं अभी भी देखो तो, मुझे तो सबसे पहले कॉल आएगा क्योंकि बच्चा तो मेरा हुआ था राइट तो थ्री इडियट्स अगर टू बनेगा तो मेरा बच्चा फुटबॉल तो खेलेगा सो आई हैव टू बी देयर अदरवाइज ऑल इज नॉट वेल बट थैंक यू सो मच जाने से पहले एक मैसेज आपके सब फैंस के लिए जो इंटरव्यू देख रहे हैं जो रेडियो पे सुन रहे हैं मैं बस बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यू you नो know, 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में एंड इवन टुडे आई गेट सो मच लव सो मच अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क थैंक यू मेरे शोज़ देखते रहिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए एंड रेडियो मिर्ची सुनते रहिए